हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 10 वोल्ट। व्हाट अमाउंट वर डन रिक्वायर्ड टू बी डन अ चार्ज ऑफ 2×10⁻⁴ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है और चार्ज भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे तो चार्ज की वैल्यू है वो दी हुई है 2×10⁻⁴ कूलम। और हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी, हमें ऐसा मान लेते हैं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल, यानी वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 10 वोल्ट और हमें डब्ल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला देखें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए माइनस या वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10, वर्क डन हमको मालूम नहीं है, और क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2×10⁻⁴। तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20×10⁻⁴, और ये हो जाएगा 2×10⁻³। ये आ गया वर्क डन। ये हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो जूल में आती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। वो जो चार्ज हमारे पास दिया हुआ है वो दिया है 4×10⁻⁷। लोकेट है वो 9 सेंटीमीटर अवे। तो अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, चार्ज। चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 4×10⁻⁷, और जो हमारे पास आर दिया हुआ है वो दिया है 9 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 0.09, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 1/4 πε₀Q/R। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, Q की वैल्यू हमारे पास आती है 4×10⁻⁷, और R जो है हमारे पास वो आ रहा है 0.09। तो यहाँ पे अगर हम 10 से इंटू कर दें और ऊपर भी 10 से इंटू कर दे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 9×10⁻⁹ × 4×10⁻⁷, ये आ जाएगा हमारे पास 9, और ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 100। 100 यानी 10⁻² होती है। 9 से ये 9 काट दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे 9 में से ये 2 पावर गई तो हमारे −7 पावर गई तो बचा 2, और 2 पावर यहाँ, एक 2 पावर यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 10⁴। ये हमारे पास वोल्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस। एक चार्ज हमें दिया है 3×10⁻⁸ कूलम, और दूसरा चार्ज हमारे पास दिया हुआ है −2×10⁻⁸ कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए, एक पॉइंट हम मान लेते हैं बी। ए पॉइंट पे हमारे पास चार्ज है 3×10⁻⁸, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है 2×10⁻⁸, ये माइनस का 2 है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर। और हमको ये बताना है कि यहाँ पे किसी एक पी पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल जीरो कब होता है, इन्फिनिटी पे होता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। तो हमारे पास जो ये पी पॉइंट बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास जीरो हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए से लेके पी तक की डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, और जो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं 15 − x। 15 में से अगर हम इस 15 में से ये वाला x माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में चाहिए होता है। तो हेयर जो हमें r दिया हुआ है वो, मतलब जो डिस्टेंस दिया हुआ है, r नहीं मानते हैं उसको, हम इसको d मान लेते हैं। जो डिस्टेंस हमें दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0.15 मीटर। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 0.15 मीटर में से माइनस कर देंगे हम एक्स, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब हमें बोला जा रहा है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, जीरो। तो हम पहले वाले का पोटेंशियल मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कुल मिला के पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। अगर हम वी की वी वन की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 1/4 πε₀Q। तो क्यू कितना है हमारे पास, 3×10⁻⁸, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्स।
प्लस, अगर इसको निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें -2 × 10⁻¹, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 1.15 - x इज इक्वल टू 0। तो जो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं, ये वैल्यू कॉमन निकल रही है तो इसको निकाल लिया, यहाँ बच्चा 3 × 10⁻¹, और इसकी वैल्यू आ रही है -2 × 10⁻¹। 10⁻¹ भी कॉमन आ रहा है तो इसको अगले स्टेप में कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास x, और यहाँ बचेगा हमारे पास 0.15 - x इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ ऊपर चली जाएगी, 10⁻¹ कॉमन निकालेंगे अगले स्टेप में तो वो भी इस साइड चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्लियर हैं, 3/x -2/0.15 - x इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा x 0.15 - x, तो यहाँ से x x काट देंगे, वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2, और यहाँ पे 1.0.15 - x माइनस, और ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 3 है तो ये 3 लिख लेते हैं उसको। ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र हुई तो हमने यहाँ ऐसे लिख लिया इसको इक्वल टू में 0। तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी हमारे पास, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 का अगर इंटू हम इसमें करेंगे तो वो बचेगा 0.45 - 3x - 2x, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये हो जाएगा -0.45, और यहाँ बचेगा -5x, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काट दिया तो हमारे पास बचेगा ये 0.09। ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। इससे पहले जो हमने पोटेंशियल निकाला वो कहाँ पे 0 हो रहा था, दोनों के बीच में कहाँ पे 0 हो रहा था वो निकाल लिया था वैल्यू। अब इस बार हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल हमारा 0 हो रहा है वो एक्सिस पे कहाँ पे 0 हो रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास ए और बी पॉइंट था उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ए पॉइंट था हमारे पास 3 × 10⁻¹, बी जो पॉइंट था हमारे पास था वो है -2 × 10⁻¹, और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना था। तो ए से लेके पी पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास उसको हमने एक्स मान लिया, और जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है ए से लेके बी के बीच में वो दिया है 0.15 मीटर, है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो बी पी की वैल्यू बची वो कितनी बची, x - 0.15। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, V1 + V2 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू, तो हमारे पास जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻¹, और अपॉन में आ जाएगा x, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस का 2 है इसलिए -1/4 पाई एप्साइलन नॉट आ जाएगा 2 × 10⁻¹, बाय जो डिस्टेंस है वो दी हुई है इस बार x - 0.15 = 0। तो जो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, तो बचेगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 10⁻¹, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बचेगी 3/x - 2/x - 0.15 = 0। ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी तो वो 0 हो जाएगा, ये बचेगा वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3x - 0.15 - ये आ जाएगा 2x / x x - 0.15 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 3x - 0.45 - 2x = ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये बचेगी वैल्यू x, और ये इधर आएगा तो 0.45। तो एक बार जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो रही थी 0.09 पे, और एक बार जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे 0 हो रहा है वो है 0.45 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि +5 μC और +15 μC चार्जेस हैं हमारे पास, जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2.5 मीटर है, और यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है टोटल दोनों चार्जेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक की हमारे पास डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर दिया हुआ है, और बी पी की जो डिस्टेंस है वो 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल है सर स्केलर सम, तो ये V1 + V2 आ जाएगा, या एल्जेब्रिक सम V1 + V2 हम कर देंगे यहाँ पे। तो V1 निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और चार्ज कितना दिया हुआ है 5 μC, और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है डिस्टेंस दिया गया है
0.9, और यहाँ पे अगर हम V2 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1.6 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 1.6, यहाँ पे जो चार्ज है वो 15 है, ये गलत हो गया, चार्ज हमें 15 दिया हुआ है, डिस्टेंस इतनी दी हुई है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है दोनों में, और 1 माइक्रो कॉमन दिख रहा है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। कूलम तो वैसे भी उसकी एसआई यूनिट ही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/0.9 प्लस यहाँ आ जाएगा 15/1.6, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होता है 9×10⁻¹, और ये हो जाएगा 10⁻⁶। एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 9 प्लस, यहाँ अगर 150 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 10⁻⁶ होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9×10³। एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 144, 900 काटेंगे तो यह आ जाएगा 16, 16 का इंटू इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 800 प्लस 16 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 9, 9 का इंटू 15 1350। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू, तो पहले इसको लिख लेते हैं 10⁻⁻, ये आ जाएगा 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2150, और अपॉन में आ रहा है 144। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, अगर इसका इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10³ वैसा का वैसा 19350 / 144। अगर आगे चल के इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये, इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 134.3×10³, और इसको अगर यहाँ से 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगी पावर, तो 1.343×10⁵। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इतना वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक होलो स्फीयर है, उसके सरफेस पे इतना चार्ज है हमारे पास 2.4×10⁻¹, और उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें हमारे पास पहली कंडीशन यहाँ पे दी है कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एट द सरफेस, तो पोटेंशियल एट द सरफेस निकालना है, तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, पोटेंशियल एट द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने आर मान लिया, वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9×10⁹, क्यू चार्ज हमारे पास दिया गया है 2.4×10⁻¹, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 12, तो ये ऑन द सरफेस 12 ही सेंटीमीटर हुआ, 12 सेंटीमीटर यानी 12×10⁻²। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू 9×, ये 10⁻⁹ यहाँ दिया है, प्लस 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2.4, नीचे आ जाएगा 12, और ये जो 10⁻² है वो ऊपर जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, -2 वाला प्लस में आ जाएगा। अगर यहाँ से एक पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे 12 के टेबल से काटे तो यहाँ आ जाएगा 10, और 12 के टेबल से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 से अगर हमने 10 काट दिया तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 9 को अगर हम काट दें यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5, और 8 बार में ये भी चला जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻²। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया एट द सरफेस। सेकेंड बारी में हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि हमारे पास पूछा जा रहा है कि अगर वो 4 मीटर दूर है सेंटर से, एक पॉइंट है हमारे पास ये होलो स्फीयर है और इसके सेंटर से 4 मीटर दूर, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालनी है, तो पहले सेकेंड को सॉल्व करते रहना है, पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस, तो हमारे पास वी इज इक्वल टू आ जाएगा 9×10⁹, क्यू जो है हमारे पास वो दिया है 2.4×10⁻¹ बाय, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो दिया है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये से कट जाएगा तो बचेगा 9, ये आ जाएगा 2.4 और अपॉन में आ जाएगा 4, तो
तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 2.4 इससे काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.7। तो यहाँ क्या हमारे पास, नहीं 0.6 बचेगा ये, तो 0.6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। 9 6 हमारे पास होता है 54, जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 5.4 वोल्ट। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, जो चार्ज है वो सेम है 2.4 × 10⁻⁹। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4, तो 4 का अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 2.4 बाय 16। तो अगर हम यहाँ पे इसको 4 के टेबल से काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 ऊपर, और जो हमारे अगर इसको काटेंगे 4 के टेबल से तो यहाँ आ जाएगा 4। अगर हम देखें तो 9 6 हमारे पास होता है 54, और यहाँ 4 के टेबल से इसको काट लेते हैं तो 4 1 4 आ जाएगा एक यहाँ पे, और यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 4 3 12, दो बार में, फिर यहाँ आ जाएगा 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड चीज पूछा गया है, इनसाइड द स्पेयर एट 0.1 मीटर। तो अगर ये स्पेयर है, स्पेयर का हमें जो रेडियस स्टार्टिंग में भी दिया था वो दिया था 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी वो होता है 0.12 मीटर। तो 0.12 मीटर यानी कि जो भी हमारे पास पॉइंट है वो इनसाइड द स्पेयर है। स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। एक स्पेयर स्पेयर में अगर चार्ज बाहर है वो उसके सरफेस पे है, तो उस स्पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल है वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे है। तो हमारे पास सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 1.8 × 10⁻². तो इतना ही पोटेंशियल उस स्पेयर के अंदर भी होगा, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जीरो होगी।